नमस्कार दोस्तों, मैं अविनेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट में, जहां पर हम तैयारी करते हैं सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत नवाचार सूचकांक 2020 या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। ठीक है, तो अभी ये लेटेस्ट इंडेक्स ही है, यानी कि पहले ये 2019 में रिलीज़ हुआ था, 2019 वर्ष का 2019 के लास्ट में रिलीज़ हुआ था, और 2020 का जो रिलीज़ होना था वो लेट होते होते थोड़ा 2021 में रिलीज़ हो गया है। ठीक है, कोरोना के कारण। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो यह सूचकांक जो है वह जनवरी 2021 में जारी किया गया था, और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को जारी करता है नीति आयोग। किसके सहयोग से? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जो कि इंडिया का ही है, उसके सहयोग से यह सूचकांक वे जारी करता है। और जैसे ही आप नाम समझ पा रहे होंगे, भारत नवाचार सूचकांक, यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की ही तर्ज पर बना है, यानी कि उससे ही इंस्पायर है, जिससे कि हम राज्यों में एक कॉम्पिटिशन की भावना ला रहे हैं, जिससे वो अपना विकास कर सकें और समझ सकें कहां पर, उसे हम आगे जानते हैं अभी। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए ऐसे पहले नवाचार सूचकांक अक्टूबर 2019 में जारी किए गए थे, यानी कि अभी तक ये दो बार ही जारी हो पाया है। सबसे पहले अक्टूबर 2019 में हुआ था, और अब ये जनवरी 2021 में हुआ है 2020 का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत नवाचार सूचकांक 2020 के जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। तो हुआ क्या कि इसमें हमने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन श्रेणी में बांट दिया है, और जिसमें हमने उनकी रैंकिंग ली है, क्योंकि एक बड़े राज्य से एक छोटे राज्य का कंपैरिजन करना गलत होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने इनको तीन श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले हमने रखे हैं 17 बड़े राज्य, जिनकी सूची यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने रखे हैं केंद्र शासित व छोटे राज्यों की श्रेणी, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा केवल गोवा राज्य और शामिल है, और यहाँ पर है पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य, यानी कि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य उस साथ, और सिक्किम और प्लस ये कुछ दो तीन राज्य और। ठीक है, तो ये तीन श्रेणियों में बांटे गए हैं, जिससे कि राज्यों में प्रतिस्पर्धा करवाई जाए इनोवेशन के मामले में, और देखा जाए कि कौन किस में ज़्यादा आगे है। तो 17 बड़े राज्यों में जो रैंकिंग लगी है वो लगी है कर्नाटक की पहली, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। हमें मेनली कर्नाटक ही याद रखना है, कर्नाटक सबसे आगे है। केंद्र शासित क्षेत्र, तो इनमें जैसे कि स्वाभाविक सी बात है दिल्ली ही सबसे आगे होगा। ठीक है, तो दिल्ली आगे है, फिर चंडीगढ़ है, और फिर दमन दीव है। और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, और ज़्यादा हमें याद नहीं रखनी। ठीक है, यहाँ पर ये सूची है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो आपको उसका सूचकांक को याद रखना है, अगर आप उस स्टेट के एग्ज़ाम्स देने वाले हो। जैसे कि यहाँ पर MP 13वें स्थान पर है, तो वो और हमने याद रख लेंगे। हम याद रख लेंगे पहले स्थान पर इसमें कौन है, इसमें कौन है, और यहाँ पर कौन है। ठीक, मतलब हमारे स्टेट का स्थान कौन सा है। अब बढ़ते हैं आगे। तो भारत नवाचार सूचकांक 2020, यहाँ पर मैंने ये समझने के लिए लिखा है कि यह सूचकांक जब जारी होता है तो किस आधार पर जारी होता है, और इससे हम क्या फ़ायदे हैं सूचकांक के, क्यों जारी किया जा रहा है यह सूचकांक। तो यह सूचकांक क्या करता है, राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र, जो भी हमारे स्टेट और केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उनमें नवाचार की क्षमता, यानी कि उनमें इनोवेशन की क्या क्षमता है, और उसके निष्पादन के अध्ययन के साथ साथ, निष्पादन यानी होता है किसी भी चीज़ का एग्जीक्यूशन करना, यानी कि जैसे आपके अंदर नवाचार की क्षमता तो है, लेकिन अगर आप उसका प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो उसका अध्ययन के एग्जीक्यूट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, उसके अध्ययन के साथ साथ इनके मामलों में राज्य सरकारों की नीतियों के मूल्यांकन में सहायक होंगे। राज्य सरकार की नीतियों का मूल्यांकन कैसे करेगा ये, जैसे अगर इस साल का सूचकांक जारी हुआ और अगले साल का सूचकांक जारी हुआ, और हमने कोई योजना लागू करी थी किसी राज्य ने, तो उस योजना से क्या कुछ लाभ हुआ, क्या कुछ फ़ायदा हुआ, वो हम रैंकिंग के हिसाब से या उसके स्कोर के हिसाब से देख पाएंगे। ठीक है, अब ये नीचे जो चीज़ें लिखी हैं वो लिखा है कि इस सूचकांक की गणना कैसे की जाती है, जिससे आप को ये ऊपर वाला पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। तो इस सूचकांक की गणना दो क्षेत्रों, इनेबलर्स और परफॉर्मेंस में औसत स्कोर से, में अर्जित जो स्कोर है उसका औसत निकाल कर की जाती है। तो इनेबलर्स क्या होता है, इनेबलर्स होता है कि किसी भी राज्य या फिर किसी भी क्षेत्र की क्या क्षमता है, जैसे कि वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी कैसी है, वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नॉलेज वर्कर्स, एक सेकंड,
नॉलेज वर्कर्स वहाँ पर हैं कि नहीं हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बिज़नेस के लिए अच्छा है या नहीं है, और सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, मतलब ये जो है, ये जो पहला पॉइंट है इनेबलर्स, वो ये बता रहा है कि किसी भी राज्य में नवाचार की क्षमता है या नहीं, और दूसरा बता रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, नॉलेज आउटपुट नॉलेज डिफ्यूजन। ये हमें याद जानना नहीं है ज्यादा ढंग से, अगर हम नॉर्मल एग्जाम्स दे रहे हैं तो हमें ये जानना है कि जो परफॉर्मेंस यानी कि उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो पा रहा है, वो परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है अपने इनेबलर्स से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तत्व हैं ये बता रहे हैं क्षमता, और ये बता रहा है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम नवाचारी क्षमता का अध्ययन कर पा रहे हैं, उसके निष्पादन का अध्ययन कर पा रहे हैं, और इन दोनों के अध्ययन के सहारे हम राज्य सरकार जो नीतियाँ या योजनाएँ लागू कर रहे हैं उसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक अलग ही कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, केवल जानने के लिए, केवल नॉलेज के लिए ज़रूरत है। बाकी हमें केवल यही याद रखना है कि 17 बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, 3 सारे क्षेत्रों में दिल्ली पहले स्थान पर है, और आपका जो भी राज्य हो उसका सूचकांक क्या है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट से, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF डाल दूँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।